आज मैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बिल्कुल हलवा स्टाइल का मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ 500 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, जिसे आप अच्छे से छान ले। और इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच के लगभग घी लिया है, जिसे आप इसे डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करें और इसमें हल्का सा नमक डालें। मैं आज जा रही हूँ मीठा नमक पारे बनाने, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। अक्सर होली में के त्यौहारों पे ये बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नमक चुटकी भर लिया है, इसे भी डाल करके अच्छे से सबको मिक्स करें। दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाने पर ये पूरे मुट्ठी की तरह बंधने लगेगा। जो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने गर्म पानी लिए हैं, जिसे आप इसको गूंथने में यूज कर सकते हैं। गर्म पानी यूज करने से यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी और खस्ता इतने होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। इस तरह से आप थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे आटे को अच्छे से गूंथ ले और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे इसे डाल दे। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही पानी का यूज किया है, एक बार में अधिक न डाले। दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आटा को अच्छे से गूंथ ले और कॉटन के कपड़े से आप इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल दे। उसके बाद में मैं इसे अच्छे से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथ लिया है, जिसे आप इस तरह से लगभग मुझे 1 कप के लगभग पानी लगा है। इधर आप देख सकते हैं कि इसे मैं अच्छे से रेस्ट पे हो चुका है 10 मिनट। इसे इस तरह से आप गूंथ ले, फिर से दोबारा गूंथ ले और लंबा सेव करके इसे पूरे आटे को आप एक ही बार में 4-5 कट लगा दें। और इसकी बड़ी सी लोई ले करके इस तरह से मैंने यहाँ पर मिक्स किया, उसी तरह से आप भी इसे लंबा लंबा बना ले। उसके बाद में इसे कट करें, नाइफ की सहायता से इसे आप कट करें और इसकी लोइयां बना करके इसे अच्छे से, बिल्कुल आपको सूखे मैदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इसकी ना ये चिपकेगी और अच्छा आसानी से बेलने में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गोल बेल भी लिया है, इसी तरह से आप भी बेलन की सहायता से इसे बेल लें और आप किनारे किनारे का हटा दे और इसे बिल्कुल चौकोर में रखे और इसे आप बिल्कुल हलवा स्टाइल में इसे चौड़ा चौड़ा ही बनाए, जिससे देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो और भी डिजाइन इसे दे सकते हैं। मैंने नमक पारे के भी कई सारे डिजाइन दिए हैं, जो आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसे हम लोग लंबा शेप में कट कर लिए हैं। बीच से भी आप इसे कट कर ले, ज़्यादा छोटा ना रखें। इस तरह से 2 या 3 ही कट लगाए, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए, इसी तरह से मैं और भी सारे बना लेती हूँ। आप भी इसी तरह से कट करते हुए इसे बना ले और दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले इसे। और इधर आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैंने और भी बनाए हैं। आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने सबको, आप देखिए बिल्कुल भी यह नहीं चिपक रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतने सारे बना लिए हैं। इसी तरह से आप भी और भी बना लें। इधर आप देख सकते हैं मैंने तेल गर्म कर लिए हैं, इसे मीडियम एंड लो ही फ्लेम पे रखे और छानते वक्त इसे बिल्कुल ही धीमा में रखें। इस तरह से यहाँ पे आप इसे एक बार में अधिक न डालें और स्पून की सहायता से इसे चलाएं, जिससे ये अच्छे से जब पकने लगेगा, धीमा फ्लेम रखेंगे तो अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा और बिल्कुल ये दुगना फूल करके हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। और इधर मैंने चाशनी भी बना ली है, जो आप देख सकते हैं यहाँ 1 कटोरी के लगभग मैंने चीनी लिया है। तो आधे कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पे पानी लिया है, जिसे डाल करके आप इसे धीमा फ्लेम पर मेल्ट करें और इसे अच्छे से आप मेल्ट होने दें। इसे जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, हल्का चिपचिपा रहे तभी आप इसे मिलाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। यहाँ मैंने इन सबको छान भी लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। इसे पूरे को एक बार में डालें और इसे बराबर से चलाते हुए बिल्कुल ही धीमा फ्लेम रखें, फ्लेम को तेज बिल्कुल ना करें। इसे दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट करके आप इसे मिक्स करें, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए। बराबर से इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कहीं मीठा कहीं फीका हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट इसका। और इस होली आप लोग इसे बिल्कुल बनाएं और इस तरह से बनाएं कि आप लोग को बिल्कुल दुकान की याद आ जाएगी। इतना खस्ता और क्रिस्पी होता है कि, और आप इसे कई दिनों तक का, कई महीनों तक मैदे की है, इसलिए ये महीनों 1.5 महीनों तक आराम से चली जाएगी। आपको और अपने दोस्तों फ्रेंडों में इसे
इंजॉय करें और इस होली ज़रूर आप लोग सेलिब्रेट करें इस तरह के रेसिपी के साथ। आप चाहें तो इसमें आप केवड़े डाल सकते हैं, गुलाब एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इलायची पाउडर ऐड किया, इलायची को क्रश कर लो और इस तरह से आप डाल दें, जिससे इलायची का फ्लेवर आएगा और भी ये 4 गुना और भी टेस्टी और यम्मी बन जाएगा और टेस्ट इतनी अच्छी लगेगी कि आप लोग दुकान का लेना भूल जाएंगे। दुकान पे मिक्स रहता है बहुत सारी, उसमें केमिकल होती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ घर पे झटपट बनाएं और इंजॉय करें। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे, ये बच्चों को तो इतने प्यारे और खूबसूरत और टेस्टी लगते हैं कि वो मांग मांग करके खाएंगे। और आप लोग बच्चों को भी हैप्पी हैप्पी इस दिवाली खुश करें और पूरी फैमिली के साथ खुश रहें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट।